मुझे कोई पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती कि मैं हिंदू हूँ, मैं शिवसेना को वोट दूंगा, मैं हिंदू हूँ टीएमसी को वोट दूंगा। मेरा जिसको मजा आएगा मैं उसको दूंगा। हिंदू वोट का इस बार फैक्टर बनाया जा रहा है। यहाँ पे बीजेपी आने से ही सब बोल रहा है टीएमसी को खतरा है, तो ओबीसी तो समझ लिए कि माइनस है। 86% हिंदू है, 84%, 16% मुसलमान है। अब आप बताइए 14% 86% के ऊपर खतरा कब से बन जाएगा? ममता बनर्जी के घर में काली पूजा होता है क्या? मुसलमानों के लिए वो बंद कर दे? नहीं कर दे। वो अपना भी धर्म मान रही है, दूसरों को भी इज्जत दे रही है। इसको अगर कोई कम्युनल वे में देखता है तो वो गलत है। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी कोलकाता की सड़कों पर घूम रहा हूं और पता लगा रहा हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और ग्राउंड पर क्या लोग सोच रहे हैं। ममता बनर्जी से लोग खुश भी हैं या ममता बनर्जी के खिलाफ जो है कुछ अलग महाज चल रहा है? सवाल यह है कि इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है पूरे ताकत के साथ इलेक्शन लड़ी, तो दूसरी तरफ कभी प्रधानमंत्री, कभी अमित शाह, कभी गृह मंत्री यहाँ पर चुनाव की तैयारियों में आते तो पता ये करते कि यहाँ पर का चुनाव का क्या माहौल है। सबसे अहम चीज़ ये है कि इस बार के चुनाव में जो है शिवसेना लगभग 100 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, तो पता करते हैं कि आम जनता के बीच जो है किस तरह की रुचि और आम जनता क्या महसूस कर रही चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? जी सुमित सिंह नाम हुआ। सुमित जी, इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पश्चिम बंगाल में अपना कोई जलवा दिखा पाएगी? देखिए बोलना मुश्किल है क्योंकि हम तो एक जगह पे रह रहे हैं, अपना जगह का बता सकते हैं कि नहीं है, लेकिन पूरा बंगाल का हालत बहुत एक अच्छा नहीं है। चांसेस है भी और नहीं भी, यह डिपेंड करता है कि हर एक इंसान क्या सोचता है, क्या चाहता है। वैसे देखा जाए तो मुझे उतना नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उतना अपना चांस बना पाएगी। पर्सनल मेरा व्यू है। यहाँ पर ये चल रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की हमदर्द है, हिंदुओं पर खास ख्याल नहीं रखते, तो आपको लगता है ऐसा? देखिए ये सब कहना नाजायज है, बेवकूफ़ी है। ममता बनर्जी हिंदुओं की नहीं मुसलमान। अब देखिए कोई कम्युनिटी हमारे यहाँ माइनॉरिटी, अगर हम उसके पास जाएंगे उसके साथ खा लेंगे, जैसे हमारा भाई हम इनके साथ खाए गए तो क्या मुस्लिम हो गए? हम उनके हमदर्द हो गए? नहीं। एक जगह जब इंसान रहता आदमी उसके पास जा ही सकता है, मिल ही सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ममता बनर्जी अपना, आज भी आप दुर्गा पूजा का समय जाइए उनका वैसे ही रुतबा है जैसे वो हर पूजा पंडाल को अपनी जैसे वो करती है जाती हैं, ईद के समय वो एक बार चली जाती हैं, तो उससे वो तो उनका बड़ापन कहा जाएगा ना कि सबको लेकर चलना है। ये गलत होगा कि भाई आप मुस्लिम को देख रहे हैं, हम क्यों ना जाएं? वाई शुड आई? क्योंकि हम एक जगह रहते हैं तो हम जाएंगे ही। अब ममता बनर्जी के घर में काली पूजा होता है क्या? मुसलमानों के लिए वो बंद कर दे? नहीं कर दे। वो अपना भी धर्म मान रही है, दूसरों को भी इज्जत दे रही है। इसको अगर कोई कम्युनल वे में देखता है तो वो गलत है। अच्छा एक बात ये बताइए कि यहाँ पर इस बार जो है शिवसेना भी इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी कह रही है कि वो सरकार बना रही है, तो लगता है आपको कि जो है सरकार और शिवसेना जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाएगी? देखिए शिवसेना वाला मुद्दा वही हो गया जो अभी मीम और टीएमसी वाला गया, जैसे मीम को घुसाया गया वैसे घुसाने के लिए शिवसेना को घुसाया गया। कम्युनल वोट आदमी अभी का इलेक्शन का मुद्दा हिंदी भाषी हिंदू वोट, जबकि वो आदमी का बेवकूफ़ी है। मुझे कोई पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती कि मैं हिंदू हूँ, मैं शिवसेना को वोट दूंगा, मैं हिंदू हूँ टीएमसी को वोट दूंगा। मेरा जिसको मजा आएगा मैं उसको दूंगा। हिंदू वोट का इस बार फैक्टर बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी हमें या शिवसेना में सर्टिफिकेट नहीं देगी कि मैं हिंदू की नहीं हूँ, वो मैं जानता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत विचार क्या है, मेरे रिलीजन क्या है। बात बाकी रहा डेवलपमेंट का सवाल, तो डेवलपमेंट हमको जो दिखाएगा हम उसके साथ हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ शिवसेना ही को देंगे, नहीं ये भी नहीं बोल रहे कि बीजेपी को देंगे। आज 11 साल हो गया ममता बनर्जी को, ऑलमोस्ट 10 साल हो रहा है। अब 10 साल में देखिए कलकत्ता का ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कलकत्ता में काम नहीं हुआ या बंगाल में काम नहीं हुआ। एक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं आया या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, रोड नहीं बनी, ये कहना बिल्कुल गलत। डेवलपमेंट हुआ है और ज़्यादा का उम्मीद करते हैं। अच्छा, तो इस बार भी मतलब के दीदी सरकार में है लग रहा है? देखिए दीदी सरकार में है फिलहाल तो है, आगे का रणनीति भी है उनका, अगर स्ट्रैटेजी सही बैठा सही वोट से रहा तो जरूर रहेंगी। बात बाकी राजनीति है, राजनीति कभी भी उलट पुलट हो ही सकता है। जनता का डिमांड तो अभी तक फिलहाल जैसा हम लोग को लगता है कि दीदी रहेंगी। अच्छा क्या सच में हिंदू खतरे में, चूंकि आप हिंदू समाज से आते हो? देखिए पूरा हिंदुस्तान में 100% वोटर है, ठीक है, 100% में 86% हिंदू है, 84%, 16% मुसलमान है। अब आप बताइए 14% 86% के ऊपर खतरा कब से बन जाएगा? बीजेपी वाले तो इसी का जो है इंजेक्शन लगा रहे सबको। देखिए वही ना कह रहे, आदमी बेवकूफ़ी है ना, पार्टी पॉलिटिक्स कम्युनल में आप किसी को इंजेक्शन लगाए तो कहाँ होगा? हम हिंदू, हम तो मुसलमान एरिया में खड़ा है, तो क्या मेरे को खतरा आ गया? आप मेरे साथ बड़ा बाजार चलिएगा तो आपको खतरा होगा? आदमी की सोच को खतरा है, कम्युनल वे को खतरा नहीं है। आदमी को सोच को खतरा हो गया कि हिंदू है मुसलमान है ये वो है। बीजेपी नहीं था तो क्या हिंदू खतरा में आबाद था? हिंदू तो कभी सेफ था, आज बीजेपी आया तो देख रहे ज़्यादा खतरा में आ गया। 10 साल पहले तो हम खतरा में नहीं थे इतना, तो भाई खतरा कौन लाया? बीजेपी ही ला रही है खतरा, एक तरह से आप जोड़ सकते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना रही है क्या? मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं।
आप डेवलपमेंट को वोट दो। हम कह रहे हैं कि अगर मोदी जी का काम आपको अच्छा लगा, आपके इलाके में काम हुआ है, आपको उससे फायदा हुआ, आप 100% बीजेपी को वोट दो। लेकिन आप सिर्फ पार्टी और हिंदुत्व का मुद्दा और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा पे वोट मांगोगे वो गलत है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर दीदी जो है शुभेंदु अधिकारी चले गए, मुकुल चले गए, तो दीदी कमजोर पड़ गई? देखिए, शुभेंदु अधिकारी हुए या मुकुल रहे हुए, ये सबको आज बंगाल में वजूद या पहचान देने वाले दीदी हैं। आज दीदी कल किसी और को खड़ेंगे वो नेता हो जाएगा। तो बंगाल में दीदी का पहचान तो खुद दीदी से है, वो तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बाकी सब लोग उनके थ्रू आए तो आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार भी TMC ममता बनर्जी की वजह से वोट पाके सब लोग मंत्री बने, और इस बार भी ममता बनर्जी का पार्ट से अगर जीतती है तो उन्हीं की वजह से ही मंत्री बनेंगे। जो है ममता बनर्जी है, सीधा सवाल, और कोई सेकंड माइन कोई है ही नहीं TMC में। ये तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है ना ममता बनर्जी। क्यों नुकसान होगा, एक पार्टी का सब समय नेता एक अच्छा पॉलिटिक्स होना चाहिए जो पब्लिक के लिए डेडिकेटेड हो। 10 नेता 15 नेता एक आदमी हो, ग्रुपबाजी हर पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन एक डेडिकेटेड नेता होना चाहिए जिसका भरोसा पे पब्लिक आगे बढ़े। वो ममता बनर्जी खुद है तो आदमी उनका चेहरा देखकर ना वोट देगा कि भैया डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट दीदी हैं। कोई सुनवाई होगा तो हम उनके पास जा सकते हैं, कोई गलत करे तो हम उनके पास जा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मैं अच्छा ये बताइए कि अभी जो है पूरा पश्चिम बंगाल में एक अलग प्रचार बना दिया गया है कि देवोवैसी अगर आ गया तो ममता बनर्जी की सरकार खतरे में हो गई, या दूसरी तरफ शिवसेना है जो आ रही है तो उसको लेकर अलग तरह का प्रचार नहीं है, तो क्या मुसलमानों को वोट के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये ओवैसी का ही नहीं है, यहाँ पे BJP आने से ही सब बोल रहा है TMC को खतरा है। तो ओवैसी तो समझ लिए कि माइनस है, यहाँ पे कुछ वजूद ही नहीं है उनका, वो तो इंटर कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे सभी बोल रहे हैं BJP से खतरा है। तो BJP से खतरा क्यों है भाई, कैसे है, आपको ये चीज़ समझना होगा। देखिए, ममता बनर्जी जो है यहाँ पे काम की है और बहुत ही अच्छा काम की है। ये जो आप जाके देखिए आउटसाइड में जहाँ काम हुआ है, वहाँ पे आप जाके काम देख सकते हैं, काम हुआ है। काम कौन नहीं किया है आज, काम कौन नहीं किया है, जो काउंसिलर जो अपने वार्ड में काम नहीं किया, टीएमसी के जो काउंसिलर काम नहीं किए उसके लिए दुश्वारी है। जो काउंसिलर काम किया है वो तो अपना काम दिखा के वोट मांगेंगे, जो काम नहीं किया है वो क्या दिखा के मांगेंगे? दीदी का चेहरा। हाँ, दीदी का चेहरा आपने, मतलब कि आप काम नहीं कीजिएगा दीदी बोलेगी कि तुमको जिता देने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो काम नहीं किया है उसको वोट नहीं मिलेगा। आप काम कीजिए, काम के मुद्दा काम दिखा के आप वोट लीजिए। वो सब टाइम चला गया कि मतलब कि दीदी का फोटो दिखा के आपको एक बार तो आपको जीता दिया, दूसरा बार में तो ही दीदी का फोटो दिखा के जीता आप, तो दीदी का नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो नुकसान होगा। दीदी को सोचना चाहिए कि जिस वार्ड में ऐसा हो रहा है या जिस वार्ड में ऐसे लोग हैं उसको हटा के किसी और को लाना चाहिए, अच्छे चेहरा को लाना चाहिए, जो मतलब उस वार्ड को थोड़ा तरक्की की तरफ ले जाए। तरक्की की तरफ मतलब है उस वार्ड में एडुकेशन जो भी है, प्रॉब्लम है, सब सॉल्व हो। अच्छा, लगता है कि असदुद्दीन वो आएंगे तो दीदी को कुछ कमजोरी हो जाएगा या दीदी इलेक्शन की तरफ कमजोर पड़ जाएगी? देखिए, जब दीदी आयरन लेडी जी उनको बोला जाता है तो BJP के आने से वो घबरा नहीं रही है, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डर क्यों फैलाया जा रहा है? ये देखिए, अरे आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे तो पब्लिक को मजा कैसे आएगा? मजा TRP के लिए चल रहा है, यही सब बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आज भी जो लोग जीतेंगे वो दीदी के नाम? देखिए, आप अभी ने पूछा ना कि शुभकंदी अधिकारी, मुकुल लॉय और जो भी सारे गए हैं, हाँ, आज दीदी मेरे सर पे हाथ रख देगी तो हम मुकुल लॉय हो जाएंगे, हम भी शुभकंदी अधिकारी हो जाएंगे। तो दीदी किसी को भी लाए खड़ा करेगी ना, वो जीतेगा तो उसका नाम हो ही जाएगा, तो उसके जाने से कोई बना देगी। हाँ, दीदी चाहे जिसको भी अपना टिकट संभल देके खड़ा करे वो जीतेगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीदी सरकार में है इस बार? हाँ, बेशक सरकार में है, सरकार उन्हीं की बनी। पड़ेगा क्या लगता है? देखिए, सीट 19-20 हो सकता है, लेकिन सरकार TMC का ही सरकार होगा, क्योंकि बंगाल में जो लोग हैं ना वो हिंदू और मुस्लिम के मुद्दा पे नहीं जाने वाले, वो यहाँ पे जो भी मुद्दा है, एडुकेशन का मुद्दा है, आप तरक्की का रास्ता दिखाइए, बंगाल को डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, बंगाल को खूबसूरत बनाइए, इसको मतलब एडुकेशन के ऊपर बात कीजिए। यहाँ जाति पात वाला बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा। और कुछ दोस्त साथियों से बात करेंगे, पूछते हैं क्या 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 नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अनायतुल्ला। अच्छा अनायत, ये बताइए कि नौजवान है, वोट वोटर ID कार्ड बना है? जरूर बना हुआ है। कलकत्ते का? कलकत्ते का ही है। तो क्या लग रहा है इस बार किसको वोट करेंगे, क्या लक्ष्य सब है? इस बार भी TMC को ही वोट करना है। TMC में ऐसा क्या लग रहा है कि भाई लगातार उन्हीं को वोट करना है? देखिए, एक तो यहाँ पे अमन व शांति है जो हम लोग को देखने को मिलता ही है, और बहुत सारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उन्होंने काम भी किया, चाहे स्कूल हो या श्री कन्या योजना जो जानते ही आप, जिसके लिए कि ना हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर में भी
इसको सराहा गया और इसमें अपने मुल्क का और ममता बनर्जी का नाम भी रोशन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम लोग चाहेंगे उन्हीं को वोट देना और उम्मीद करते हैं इस बार वही आएंगे फिर से। अच्छा, लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से दीदी थोड़ी बहुत कमज़ोर पड़े? ना, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हम लोग को उनसे न लेना है न देना है कुछ, क्योंकि आज वो इलेक्शन के वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो कहाँ थे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो अभी अचानक से आ जाते हैं इलेक्शन के वक्त, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, तो इस बार पश्चिम बंगाल में किन मुद्दों पर लगता है कि इस बार चुनाव होगा? हाँ, पश्चिम बंगाल में अगर इस बार आप देखें तो जैसे कि बहुत सारे चीज़ें, जैसे NRC और CA का लेके, जैसे ये भी एक मुद्दा है यहाँ के लिए, और बंगाल इसके खिलाफ है और ख़िलाफ़ रहेगा भी, तो इस पर ये भी एक मुद्दा है। और दूसरा ये कि आप अगर देखें जहाँ पर भी BJP की हुकूमत है, आज UP में देख लीजिए वहाँ पे क्या राजनीति हो रही है, गलत तरीके से कानून का मिसयूज़ किया जा रहा है, लोगों को गलत तरीके से वहाँ पर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने सारे रेप हो रहे हैं, रेप कांड हो रहे हैं। बंगाल ठीक है, आप इस मामले में अगर देखें यहाँ पे इस तरह का आपको किसी भी कोई भी केस या ऐसा मुद्दा नज़र नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ स्कूल देखें, वहाँ का स्कूल का हालात देखें, या यहाँ का स्कूल बेहतर है वहाँ से? बेहतर यानी बहुत बेहतर है। वहाँ पे स्कूल कैसे है कि अगर आप देखें, अभी आम आदमी पार्टी के लोग स्कूल जाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस रोक देती है, लेकिन बंगाल में स्कूल ऐसा है अगर कोई देखना चाहे या आना चाहे तो किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आ रही है फिर? ज़रूर। लोगों के भीड़ में, लोगों के साथ, और वो इलाके जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, माइनॉरिटीज़ है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के नाम पर पश्चिम बंगाल में चुनाव का एक अलग तरह का माहौल है, और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक अलग तरह की चीज़ें चल रही है, तो उस पर यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के लोग शायद इस बार भी जो है ममता बनर्जी की तरफ जाएंगे, और शायद ममता बनर्जी के ही पक्ष में लोगों का जैसा राय आ रहा है वैसे लग रहा है। मगर सवाल यह है कि इस मरतबा का चुनाव अहम है, और इस बार जो है EVM को लेकर भी जो है कई सारा तरह की चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, तो देखना यह है कि 2021 का विधानसभा चुनाव दीदी के साथ कितने लोग जाते हैं, और क्या इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी अपने जो भारतीय जनता पार्टी इस बार सीट में कितना बढ़ोतरी कर पाती, वो अलग बात है कि 18 सीट जो है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होती है, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार बंगाल में उनकी पोजिशन मजबूत है, मगर ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। मैं रजा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।